हेलो बच्चों बच्चों, कल हमने वसंत का पाठ नू चिड़िया की बच्ची कहानी के रूप में पढ़ा। बहुत अच्छी कहानी थी जिसमें चिड़िया की बच्ची और सेठ माधवदास था। माधवदास उसे अपने महल में अपने बगीचे में रखना चाहता था, लेकिन चिड़िया अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। इसी भाव पर आधारित हमने इस कहानी को पढ़ा। आज इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। प्रश्न और उत्तर, उत्तर आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उसे लिखेंगे, ठीक है? तो ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर है माधवदास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी और उसके सामने सुहावना सा एक बगीचा भी लगवाया था। उन्हें धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने चिड़िया को धन का, सोने का पिंजरा और मोतियों की झालर का भी लालच दिया और कहा कि चिड़िया जो मांगे वो सब दे सकता हूँ। इन बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। उनका चिड़िया से कहना कि मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का दिल बहलेगा, मेरा दिल वीरान है, आदि बातों से पता चलता है कि माधवदास सुखी नहीं था। प्रश्न दो है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, नहीं, माधवदास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है निःस्वार्थ मन से नहीं कहा गया था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी। वह उसे अपने पास ही रखना चाहते थे ताकि उनका मन बहलता रहे। अगला प्रश्न है, प्रश्न बहुत बड़ा है, आप इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। कहाँ से लिखना है मैं बताती हूँ। माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इस प्रश्न को यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से, माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ से आप इसका, इस प्रश्न को लिख सकते हैं, ठीक है? इतना न भी लिखेंगे तो चलेगा। इसका उत्तर है, माधवदास और चिड़िया का मनोभाव एक दूसरे के विपरीत था। एक तरफ माधवदास के लिए भौतिक सुख यानी धन संपत्ति से बड़ा कोई न था, वहीं दूसरी ओर चिड़िया के लिए आत्मिक और पारिवारिक सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उसके लिए माँ की गोद सबसे प्यारी थी। उसे मोती और सोने के मूल्य से मतलब नहीं था, इसलिए उसने माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद बेतुकी थी, बिना मतलब की थी। प्रश्न चार है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा, लिखिए। इतना ही प्रश्न लिखना है आपको, ठीक है? इसका उत्तर है, उत्तर इस प्रकार है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे खुशी महसूस हुई। इस कारण ही वह अपने माँ के पास पहुँच पाई, नहीं तो माधवदास के पिंजरों में सदा के लिए कैद हो जाती। अगर ऐसा होता तो वह स्वच्छंद होकर उड़ नहीं पाती, उसे सारी जिंदगी कैद में गुजारना पड़ता और वह माधवदास के लिए बस एक मन बहलाने का सामान बन रह जाती, जो कि बहुत बुरा होता, क्योंकि स्वतंत्रता सभी को प्रिय है।
अगला प्रश्न है, माँ मेरी बात देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है, आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपके जीवन में आपकी मम्मी का कितना महत्व है, क्या महत्व है, ये तो आप अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे, है ना। मम्मी नहीं होती तो क्या होता हमारे जीवन में, है ना, माँ नहीं होती तो क्या होता, और माँ का बताइए कि हमारी जिंदगी में उनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है माँ की हमारे जीवन में, बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे जीवन में, तो माँ के बिना कुछ भी नहीं है, है ना। तो हमें अपने अपने जीवन के बारे में लिखना है कि आपकी लाइफ में आपकी मदर की, आपकी मम्मी की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये आप स्टैंड लिखेंगे इसका उत्तर। दूसरे प्रश्न इसका जो लास्ट प्रश्न है कहानी से का, इसका उत्तर भी आप ही लिखेंगे। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों, ये तो आप ही लिखेंगे अपने हिसाब से, है ना। कि आपको यदि इस कहानी का कोई और टाइटल देना हो, कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देंगे, तो अपनी अपनी सोच से लिखिए, जो आप चाहेंगे वो लिख सकते हैं। जैसा आपको कहानी को पढ़ के लगता है कि इस कहानी का नाम ये होना था, इसका शीर्षक ये होना था, तो आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और कॉपी का पीडीएफ बनाकर भेजना है।